गाइज, डायनासोर पत्थर को क्यों खाता है? इसे खाने से उसको क्या फायदा होता है? डायनासोर शाकाहारी कितने हैं? उनको घाटा क्या होता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या आप जानते हैं कि चूहे का जो याददाश्त है वो कितना मजबूत होता है, यानी कि कितना स्ट्रांग है उसका याददाश्त? जैसे कि मछली का याददाश्त होता है बहुत कुछ ही क्षण के लिए होता है। आप अगर किसी मछली को फंसाना चाह रहे हैं और वह नहीं फंस पाए, निकल गए, कुछ ही सेकंड के बाद वह फिर से रिटर्न आ जाएगा फंसने के लिए। लेकिन चूहे का इतना मजबूत याददाश्त है कि अगर आप चूहे को पकड़ना चाह रहे हैं और भूल से अगर निकल गया आप हाथों से, बिना यानी कि चूहे के जो बिल है बिना देखे हुए एकदम राइट वहीं चूहे के बिल में प्रवेश करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका याददाश्त मजबूत है, इसलिए वह चूहे के बिल के अंदर एक डायरेक्ट प्रवेश। क्या आपको पता है कि चूहा होता है वह पानी के अंदर, यानी कि पानी में कितने दिनों तक तैरते हुए रह सकते हैं? आप कितने दिन रह सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि चूहा जो है वह पानी में 3 दिनों तक वह लगातार रह सकता है तैरते हुए। और यह दुख की बात है कि वह मात्र 3 मिनट के अंदर उसका दम घुटने लगता है। इसलिए देहातों में जो बिल खेतों वगैरह में होता है चूहे का बिल, उसमें पानी पटाकर चूहे के निकाल कर उसे मार दिया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि कुत्ते किसी के हाव भाव को देखकर बता सकता है कि वह किस प्रकार के व्यक्ति हैं? जैसे कि मनुष्य वह बता सकता है कि किसी का हाव भाव देखकर कि यह किस प्रकार के व्यक्ति है, चोर है, डकैत है, इंसान है या अच्छा व्यक्ति है, उसी प्रकार कुत्ते जो कि बता सकते हैं कि यह चोर है या इसी प्रकार से कुत्ते को किसी को ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है और देख के भी पता बताता है कुत्ते कि यह चोर है या कुछ है, देख के और सुन के दोनों प्रकार से बताता है। गाइज, जैसे कि आदमी का खून 4 प्रकार का होता है, यानी 4 टाइप का होता है, लेकिन कुत्ते का जो खून होता है यानी रक्त, जो कि कितने प्रकार का होता है उनका खून, ब्लड, मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे अधिक यानी कि कुत्ते का माना जाता है तो 13 प्रकार का ब्लड होता है कुत्ते का, आदमी का 4 प्रकार और गाय ऊंट इन प्रकार के लिए। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या इनके खून के बारे में पता कर। गाइज, अगर जानवरों को बात किया जाता है तो जानवरों में सबसे याददाश्त मजबूत रखने वाला कौन सा जानवर है या जीव है? आपको चूहो बताए थे, लेकिन चूहे याददाश्त मजबूत है उनका, लेकिन सबसे अधिक किस जानवर का याददाश्त मजबूत है, वह कितने याददाश्त को मजबूत रखता है? मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको कि डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन मछली जिनका याददाश्त सबसे मजबूत रहता है, जो कि मछली डॉल्फिन है। अगर मैं कोई भी मछली है जिसका बदबू सुगंध निश्चित है, यानी कि बदबू सुगंध निश्चित है कि आना ही है, कोई मछली का सुगंध अच्छा आता है, कोई मछली का बदबू आता है, लेकिन डॉल्फिन एक बदबू सुगंध निश्चित है कि आना ही है, कोई मछली का सुगंध अच्छा आता है, कोई मछली का बदबू आता है, लेकिन डॉल्फिन एक ऐसा मछली है जिसका सुगंध क्या आता है, क्या दुर्गंध आता है या नहीं आता है? मैं बताना चाहता हूँ कि डॉल्फिन मछली का नहीं तो सुगंध आता है, नहीं दुर्गंध आता है, इसलिए मछलियों को नहीं आप उसे गलत नजरों से नहीं देख सकते। फिर मछली है वह कितने बड़े होते हैं, सबसे छोटे डॉल्फिन कितने हैं, सबसे बड़े डॉल्फिन का फीट कितने हैं? सबसे बड़े डॉल्फिन का बात किया जाता है सबसे छोटे मछली का 4 फीट है, लेकिन सबसे छोटे मछली का 4 फीट है, लेकिन सबसे बड़े मछलियों का डॉल्फिन में माना जाता है कि उसे एग्जैक्ट प्रमाण किया गया है कि वह 32 फीट, यानी कि सबसे बड़े डॉल्फिन मछली का फीट होता है 32 फुट होता है। क्या आपको पता है कि डायनासोर दहाड़ सकता है? जैसे कि शेर दहाड़ लगाता है तो उसका दहाड़ बहुत अधिक दूरों तक जाता है, इसे मुंह से खोल कर वह दहाड़ लगाता है, उस प्रकार डायनासोर दहाड़ सकता है? नहीं दहाड़ सकता है, जैसे कि वह केवल मुंह बंद करके वह गुरगुरा यानी कि गुनगुना सकता है, घुरघुरा सकता है, जैसे कि कबूतर होता है, जैसे कबूतर प्रेवा जिसे कहा जाता है, वह मुंह बंद करके गुरगुराता है, उसी प्रकार वह गुरगुरा। मैंने डायनासोर के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बता देना चाहता हूँ कि डायनासोर है वह पत्थर को खा जाता है, यानी कि पत्थर जो होता है वह 1-2 केजी पत्थर को खा सकता है। या नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई 5 क्विंटल का पत्थर, वह पत्थर 1-2 केजी का कैसे खाता है? वह खाने के बाद खाना यानी कि खाना जो खाता है उसको पचाने के लिए वह पत्थर को खाता है, क्योंकि मेरा खाना पच सके। इस गाइज, क्या डायनासोर सारे के सारे मांसाहारी होते थे? नहीं, मैं बता देना चाहता हूँ कि डायनासोर कुछ
प्रकार के ऐसे थे जो कि केवल शाकाहारी थे, यानी कि वह मांसाहारी नहीं थे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो डायनासोर शाकाहारी थे उनके पास चार पैर भी हैं, लेकिन वह दो पैर पर अधिक देर तक नहीं रह सकते हैं। जैसे कि मांसाहारी डायनासोर रहते हैं दो पैर पर ही चलते हैं, शाकाहारी डायनासोर को चार पैरों को आवश्यकता पड़ता है चलने के लिए और दो पैर पर अधिक देर तक नहीं चल सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं चैनल